बैक स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारा जो अगला टॉपिक रिलेटेड है क्लाइमेटोलॉजी के, जो हम एटमॉस्फेरिक विंड्स के बाद पढ़ेंगे, दैट इज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, वायुमंडलीय परिचरण। तो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से मतलब हमारा है, जो हमारे पास हवाएं है वो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड्स, यानी या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, या फिर इक्वेटोरियल जोन से टूवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स, जो ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू द एयर, वो कैसे प्रोसेस होती है। तो इस पर बहुत पहले से काम किया गया। सबसे पहले हेले आया था। हेले वॉज बेसिकली अ कॉस्मोलॉजिस्ट हु टॉक्ड अबाउट कॉस्मोलॉजी अलॉट, एस्ट्रोनॉमी अलॉट। हेलीज कॉमेट इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हिम। तो देयर वेर टू स्कूल्स बेसिकली। पहले ओल्ड स्कूल ने बात करी, दे टॉक मोस्टली अबाउट, दे गेव इम्पोर्टेंस, ज़्यादा उन्होंने बोला जो विंड जो ट्रैवल होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दे मोस्टली गेव इम्पोर्टेंस लाइक दैट दे सेड दैट हीट ट्रैवल्स फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, उन्होंने इस बात पर ज़्यादा फोर्स दिया, इन्होंने इस बात पर ज़्यादा बहस की। तो वी कैन से जो हॉरिजॉन्टल, जो ओल्ड स्कूल था, दे टॉक्ड अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोस्टली ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और उन्होंने वर्टिकल, जो वर्टिकल सर्कुलेशंस है या वर्टिकल कन्वेक्टिव करंट्स है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे जो पोटेंशियल एनर्जी है जो जनरेट होती है अनइक्वल हीटिंग या अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ के, ठीक है, और जो फिर अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी में, दे डिडंट टुक इट इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। तो उसके बाद what we know that basically उसके बाद there were other schools of thought, ठीक है, जो बाद में आए often called as modern schools, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, actually this energy is traveled into the vertically convective currents, जो potential energy है, ठीक है, potential energy transform होती है kinetic energy में, cells ऊपर चले, वो air जो ऊपर चली जाती है, upward movement जो होती है या फिर ascent हो जाती है या फिर descent हो जाती है, नीचे चली जाती है, heat हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बेसिकली वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी जो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी में, एंड एज अ रिजल्ट विद द हॉरिजॉन्टल गोइंग ऑल्सो, हॉरिजॉन्टली जब विंड्स चली जाती है, ठीक है, तो दीज विंड्स बेसिकली व्हाट डू दे डू, दे वंस दे जस्ट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके बाद और व्हाट वी कॉल एज दे गो फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड इधर एसेंट और दे डिसेंट, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू हायर प्लेस, लोअर प्लेस टू व्हाट वी कॉल एज टू द हायर लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स। तो दे गिव इम्पोर्टेंस टू, वी कैन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑल्सो, और यू कैन से टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, और वी कैन से टू द एसेंट और टू द डिसेंट ऑफ विंड्स। तो दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ सेल्स, एटमोस्फेरिक सेल्स, एंड वट एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट लेट अस स्टडी। तो बेसिकली व्हाट इज द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट द पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड्स, जो हमारे पास जितने भी प्लेनेटरी विंड्स है, परमानेंट विंड्स है, वो ट्रैवल बेसिकली एक्चुअली दे डिपेंड ऑन, अगर हम जनरल सर्कुलेशन की बात करें, दे डिपेंड ऑन लैटिट्यूडनल वेरिएशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है लैटिट्यूड्स पे, उनकी उन पर डिपेंड करता है प्लेनेटरी विंड्स, वी हैव रेड अबाउट दैट। और जो प्रेशर बेल्ट्स इमर्ज होते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट ड्यू टू लो ड्यू टू कोल्ड, और वी कैन से ड्यू टू डेंस एयर, एंड लो प्रेशर बेल्ट ड्यू टू व्हाट वी कॉल एज ड्यू हीटिंग। उसके बाद जो दीज व्हाट वी कॉल एज दीज प्रेशर बेल्ट्स, दे जस्ट माइग्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सन के साथ साथ, और विद द साउथ, ठीक है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, बिकॉज वी नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिफरेंशियल हीटिंग इज देयर, ठीक है, दे रिएक्ट डिफरेंटली। उसके बाद द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, और हाउ डज दैट एक्चुअली रिलेट विद द लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस और द सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफेयर, हाउ डज दैट इफेक्ट कोरियोलिस इफेक्ट, हाउ डू दस इट इफेक्ट दो सर्कुलेशंस। तो द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स, इसको हम जनरल सर्कुलेशन ही बोलते हैं, जो पैटर्न है मूवमेंट्स का। तो दिस जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफेयर वट इट डज, इट ऑल्सो सेट्स इन मोशन, मोशन इस जो मूवमेंट होती है, सर्कुलेशन होती है प्लैनेटरी विंड्स का, इसके साथ साथ दे डू ले इम्पैक्ट ऑन द मोशन और ऑन द मूवमेंट ऑफ ओशंस वाटर, वो भी सर्कुलेट करते हैं either in the form of drifts or in the form of the currents or in the form of the what we call as the waves, ठीक है, we will read about that. तो the central circulation of the atmosphere helps, or we can say lays the impact on the, or creates the impact
ठीक है, और फॉर व्हाट, फॉर द ओशन ड्रैगिंग और द ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ क्लाइमेट, हीट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, तो द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट मॉडल्स एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफेयर। कुछ मॉडल्स है, इंपॉर्टेंट मॉडल्स, एज आई टोल्ड यू देयर वर टू स्कूल ऑफ मॉडल्स, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कुछ मॉडल्स हमारे पास है, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, दीज साइंटिस्ट दीज रिसर्चर्स ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ एक्चुअली द दिस मॉडल दिस हीट इज ट्रांसफॉर्म और चे और ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनने कुछ मॉडल्स का जिक्र किया, तो उन मॉडल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहला जो मॉडल हमारे पास है, एक उसको बोलते हैं यूनिट सेल्यूलर मॉडल, बट मेन थिंग हेयर टू कॉन्सेंट्रेट इज लाइक इट इज ही गेव इट ऑन द वट यू कॉल एज नॉन रोटेटिंग अर्थ। ठीक है, अर्थ ही सेट, ठीक है, जो ये यूनिसेल्यूलर मॉडल है इट वॉज गिवन बाई हैली बेसिकली। ठीक है, तो सॉरी इट वॉज गिवन बाई हैली, HALLY। ठीक है, तो हैली ने क्या बोला, हैलीज कॉमेट, ही वॉज एन एस्ट्रॉनमर, ही वॉज अ कॉस्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ही हैव गिवन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द थिंग्स। तो ही कंसिडर्ड अर्थ टू बी नॉन रोटेटिंग। ही सेड अर्थ की जो मूवमेंट है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ही नेग्लेक्टेड दैट थिंग। ठीक है, तो व्हाट ही सेड दैट द अर्थ इज हाइपोथेटिकली कंसीव्ड, द मिस मॉडल इज हाइपोथेटिकली कंसीव्ड एंड कंसिडर्स विच कंसिडर्स हर अर्थ एज ए होमोजीनियस सर्फेस ओनली हैविंग लैंड सर्फेस। तो इसने बोला अर्थ जो है ये एक ही टाइप का सर्फेस है, इस पे हाइपोथेटिकली इसको इसने समझा सोचा, ही टुक और ही वी कैन से ही नेग्लेक्टेड द एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज। उसने बोला अर्थ जो है सिर्फ लैंड सरफेस का बना हुआ है, तो अर्थ रोटेट नहीं हो रहा है। एंड ही अपार्ट फ्रॉम दिस मॉडल सेज दैट व्हाट एक्चुअली बेसिकली हैपन्स, द अर्थ इज हीटेड और वी कैन से द एयर गेट्स हीटेड इन वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, ड्यू टू द सन इट स्टार्ट्स देन टू राइज, उसके बाद दिस एयर स्टार्ट टू राइज, उसके बाद अंटिल इट रीचेस ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज के बाद आफ्टर इट रीचेस द ट्रोपोपॉज, ठीक है, उसके बाद इट स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, अब जब ये पोल्स की ओर चला जाता है, वन स्टार्ट टू सिंक टूवर्ड्स द पोल्स, उसके बाद क्या होता है, पोल्स तो पहुंचते पहुंचते इट बिकम्स इनफ डेंस एंड उसके बाद इट सिंक्स एट द पोल्स। जब ये भारी होगा, डेंस होगा, इट विल ट्रेंड टेंड टू सिंक एट द पोल्स। सो एट द सरफेस द इलो फ्लो, अब जब सरफेस की बात करें, द फ्लो इज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स टू द हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रॉम लो प्रेशर टू द हाई प्रेशर एंड ग्रेडियंट, हाई प्रेशर ग्रेडियंट डायरेक्टेड फ्रॉम कोल्ड पोलर एरियाज टू द वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, तो सरफेस पे इसने बोला फ्लो जो है ऊपर, तो उसने बोला ऊपर इट इज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। ठीक है, और सरफेस की बात इसने करी, सरफेस पे भी इट्स फ्रॉम इक्वेटर, फ्रॉम सरफेस की बात अगर करी तो इट्स फ्रॉम द पोल्स टू द वहां पे इक्वेटर रीजन्स तक। ठीक है, तो ही सेड हवा जब वार्म ट्रॉपिकल एरियाज पे, जब हवा गर्म हवा जब सन इज हीटिंग द एयर ओवर द वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, इट विल टेंड टू राइज एंड इट विल मूव टूवर्ड्स द पोल्स, इट विल सिंक। और जब पोल्स की बात करें, पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे हाई प्रेशर है एंड इक्वेटर पे लो प्रेशर है, तो ड्यू टू द हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट, वो सरफेस की बात करें, सरफेस तो एयर विल मूव फ्रॉम कहाँ से, पोल्स टू द इक्वेटर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। ठीक है, तो इन दिस वे इसने बोला, अब जब ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, इन दिस वे इट कंप्लीट्स अ वन होल कन्वेक्टिव सेल। ठीक है, तो इसी को हम मॉडल यूनिसेल्युलर मॉडल बोलते हैं, या फिर विच वॉज गिवन फॉर द नॉन रोटेटिंग अर्थ इन 1686 बाय हैली। तो समझ गए आप, दिस इज सिंपल। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे चले, दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, हीट इज राइजिंग ऑन द इक्वेटर एंड डिसेंडिंग एट द पोल्स, यहाँ से जा रही है यहाँ से, एंड फ्रॉम इन द पोल्स इट इज गोइंग फ्रॉम सरफेस टू दिस, तो वन कन्वेक्टिव सेल इन ईच हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस वॉज गिवन बाई हैली इन 1638, ओके सॉरी 1686 एक्चुअली। तो उसके बाद यूनिसेल्युलर मॉडल एक और दिया, बट इट वॉज फॉर द रोटेटिंग अर्थ। नाउ वी हैडले आया 1735 में, ही सेड नाउ द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी रोटेटिंग। तो दिस मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड बाई हैडली। ठीक है, हैडली ने क्या बोला, इसने बोला ही टुक इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, इसने बोला अर्थ का रोटेशन जो हो रहा है, लेट्स टुक इन टू द इन टू इट कंसिडरेशन, इट कांट बी नेग्लेक्टेड। तो वट ही सेड दैट ही कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑल्सो इन दिस मॉडल, इसका मतलब ये क्या है, उसने कोरियोलिस फोर्स को, कोरियोलिस फोर्स की इफेक्ट को इसमें समझा, जो कि क्या करती है, जो